बाद किसी इंटरव्यू कर दिया है एंड आई कैन इमेजिन यू अंडरस्टैंड बाय व्हाई आपको पता नहीं है कि हमने कितनी तकलीफ के बाद ये इंटरव्यू स्केड्यूल किया है आज कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक मावरा सबसे पहले तो आप ये बताएं कि 6 महीने क्यों लगे आपको वापस कराची आने में um मुझे बड़ा मैं बड़ा डरते डरते बात कर रही हूं क्योंकि मैं um आई डोंट नो इट्स आई फील लाइक इट्स अ माइलस्टोन अचीव्ड

this was a decision that my parents thought that i must take now. or um, this is my first house, so i was just busy moving into that. So this is you you bought a house for yourself in lahore. yeah, alhamdulillah. mashaallah, mashaallah. so i've just amazing. been overwhelmed with that. and it's like a new chapter that started. and i'm, you know, just becoming, becoming a homebody. ghar <laughs> maitiyo ghar ko. sajatiyo the which is why i have been.

and with all this this evolution happening inside me, I I I think think was just what I needed. So प्लान बड़े जबरदस्त होते हैं आपकी सोच से ज्यादा और आगे पता नहीं लाइफ में क्या होना है आज कल आपका एक ड्रामा होने जिसका नाम है सबात If I am not mistaken, ऐसा ड्रामे के बाद आपको इससे पहले कभी मिला है आई मीन हर प्रोजेक्ट अपनी तरह से स्पेशल होता है बट आई वुड से सबात बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है सबात का फीडबैक बहुत डिफरेंट रहा है और um, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है बट मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ऐसा कभी नहीं हुआ आई ऑलवेज हैड आई मीन फॉर समी यू कैन से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था इवन फॉर आंगन डिस्पाइट नॉट रर्निंग ऑन यूट्यूब बट आई कॉन्ट पुट इट टू वर्ड लेकिन सबात की बात कुछ अलग है आप अपनी फिंगर पुट कर सकती है उस चीज़ के ऊपर जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये बात अलग है um, मुझे लगता है कि ये ऐसा मुझे हर प्रोजेक्ट के बाद वैसे तो लगता है कि हर प्रोजेक्ट आपको थोड़ा सा बदल देता है लेकिन सब बात ने बहुत ज्यादा बदल दिया है समझ नहीं आ रही हुआ क्या है अभी तक इट्स बिन सिक्स बट आई फील लाइकलिटी स्विच और

आई डोंट वॉन्ट स्पीक टू मच अबाउट इट लेकिन जब आपके अंदर कुछ चेंज हो रहा होता है ना तो वो शुरू में बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको सडनली फील होता है दिंग रॉन्ग इनसाइड यू समथिंग चेंजिंग योर चेंजिंग एज अ पर्सन यूर चेंजिंग द वे यूर रियक्टिंग टू सिचुएशन तो इन द बिगिनिंग इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अंडरस्टैंड वट्स राइट और रॉन्ग विद यू तो मै इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज आई शॉट इन इस्लामा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस्लाम माई होम टाउन टो आई ग्रू अप देर

You know, getting popular or getting the attention. लेकिन अभी जब मैं इतने अरसे बात करी हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मैं बदल चुकी हूँ पूरी और लाइफ बदल चुकी है पूरी और शायद it was a good reminder, um, it was a good realization that what are my roots, where have I come from, how far have I come, how far do I need to go? Like a whole life contemplation started in my head as soon as I started shooting in Islamabad.

so i think it was a lot of things. it was also life coming a full circle at many, many instances. and then doing anaya, getting to play anaya also, you know, stirred something in me. so it was, i, I still don't know what it exactly is. maybe a year from now or six months from now, i can tell you with more clarity. but when you got the script, when you read anaya, huh. what prompted you to say yes to it? Um, did you, and also, sorry, after bhagat kainkai, is add ek sawaal?

लाइक एनी ऑफ द कैरेक्टर्स मुझे बस जानना था कि आगे क्या हो रहा है सो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट वैन यू रीड्रिप्ट इफ यूर एंड्रीट यू नो ऑडियंस वुड बी एंट्रीट लेकिन जब मैं वो पढ़ रही थी तो आई डोंट नो ये नहीं मैं कह सकती कि मैं मुझे लगा कि अनाया हूँ बट मुझे पढ़ के लगा कि मैं अनाया होनी चाहिए हूँ यू नो हो या मुझे लगा कि शायद कुछ मेरी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं जो अनाया जैसे थे Um, हाँ मतलब मुझे बस बहुत सारे रियालिटी चेक मिले थे रीड करते करते ही बट ऑबली मैंने इतनी ज्यादा से नहीं सोचा कि क्या हो रहा है मेरे साथ बिजी विद अदर थिंग एन अदर प्रोजेक्ट एंड देर वॉज अ पॉइंट वेर आई थॉट आई वोट बी एबल टू डू बिकॉज ऑफ डेट्स सो समथिंग वेरी स्ट्रेंज है की शूटिंग स्टार्ट हो गई और भाई और बाकी पूरी टीम बात शूट, अच्छा, शूट, शूट कर रहे थे विदाउट नोइंग हु द लीड एक्ट्रेस इज़ गोइंग टू बी क्योंकि अवेलेबल होती तो दीज प्रोडक्शन हाउसेज दे नो तो अवेलेबल और डायरेक्टर भी अग्री तो कर जाते हैं कास्ट भी अग्री कर जाती है एंड प्रोजेक्ट आपके हाथ से चला तो जाता तो है

अच्छा और मैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और कल आ रही हूं. <laughs> really, आने की जरूरत नहीं so you you know, uh, uh, पिछले प्रोजेक्ट की जरा थकावट और दिमाग से कैरेक्टर निकाल कर फिर आप इस्लामा आए सो आई थिंक इट वॉज जस्ट मेंट फॉर मी दैट ऑल्सो हिट मी वेरी हार्ड ऐसा कभी नहीं होता कि कोई प्रोजेक्ट आप

मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अनाया थोड़ी सी मेलो डाउन हो गई है हालात की वजह से वाकयात की वजह से तो ये जो ट्रांजिशन उसके अंदर हुई है कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है कि एक टाइम पे वो लड़की जो हरासमेंट के खिलाफ या किसी और चीज के खिलाफ या अपनी इंडिपेंडेंस के खिलाफ जब इतना स्ट्रांगली खड़ा हो सकती थी उसके साथ बहुत सारी जातियाँ हमने अभी रिसेंटली होती हुई देखी हैं सबसे ज्यादा जो मिराल ने जो किया है अनाया के साथ बट अनाया ने उसको एक लफ्ज भी नहीं कहा क्यों हाँ असल में ना विमेन आई फील कि वो इनहेरेंटली नर्चरर्स होती हैं होम मेकर्स होती हैं अब आप ठीक है आप यूर अ फाइटर यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन वेन यू आर अ लोन थिंग्स आर डिफरेंट बट व्हेन एंड आई डोंग इट इनगेटिव वे बट वैन यू मैरी और वेन यू फॉल इन लव आई डेंट लव डज दैट टू मोस्ट वीमेन क्या आप थोड़े से यू you नो know, एक यू गो इन यू बिकम अ सॉफ्ट पर्सन यू डोंट फाइट द वर्ल्ड एज मच बिकॉज यू फील दमबडी एल्स गोइन टू प्रोटेक्ट यू फर्स्टली डैट और फिर मुझे ये भी लगता है कि हमारी जो सोसाइटी की औरतें हैं जो कि मुझे पर्सनली एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे नहीं पता कि वॉट्स योर ओपिनियन ऑन इट वो चाहती हैं कि उनका जो भी एक